और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस, सीखें हदीस। अल्लाह बच गया। अरे रे रे ध्यान से शारिक भाई, बच गया मैं, वरना चोट लग जाती। और आप अल्लाह पाक की रहमत से बचे हैं। चले यहाँ बैठ जाते हैं। अरे ये क्या, ये कहाँ से आई? कबूतर ने आप पर बीट कर दी। छोड़ूंगा नहीं इसे, इसने मेरे कपड़े खराब कर दिए। अरे शारिक भाई, एक बेजुबान परिंदे पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जाने दें। नहीं नहीं, मैं इससे बदला जरूर लूंगा। ये तो बहुत डीट कबूतर है, ये उड़ा नहीं तो दोबारा कपड़े गंदे करेगा। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जाने दें। छोड़ूंगा नहीं इसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शारिक भाई, इस जख्मी कबूतर को लेकर कहाँ जा रहे हैं? ओहो, ये बेचारा तो जख्मी है। इसने मेरे कपड़े खराब किए हैं, मैं इसे सजा दूंगा। शारिक भाई, परिंदे जानबूझकर किसी पर बीट नहीं करते, और ये बेचारा तो रहम के काबिल है, ना कि आप इसे तकलीफ दें। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, मन ला यरहम ला युरहम, यानी जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। आप रहम नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है आप पर भी रहम ना किया जाए। ये बात तो मुझे कभी किसी ने बताई ही नहीं। शुक्रिया साद भाई, आपने मेरी इस्लाह की। और शारिक भाई, सिर्फ जानवरों ही नहीं बल्कि इंसानों में से, जैसे भाई बहनों दोस्तों में से भी अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाए तो हमें रहम करते हुए उसे माफ कर देना चाहिए। चलिए आए इस कबूतर को मरहम लगाते हैं। साथ भाई, आज हमने बहुत प्यारी हदीसे पाक आपसे सुनी, ये हदीसे पाक हमें याद भी करवा दें। जी जी क्यों नहीं, मेरे साथ दोहराइए। जो रहम नहीं करता, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, उस पर रहम नहीं किया जाता। साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस।